and I am from Guwahati, Asha. My question is, देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी ज्यादा अच्छी से संभाल सकती है या फिर बुजुर्ग लोग? हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए मतलब हमारे देश को देश क्या है, मतलब देश एक भारत जैसे कि नाम है, इसकी भूमि है और वो राज्यों में बटा हुआ है और इन सभी राज्यों में जिले जिले हैं, जिलों में लोग रहते हैं। तो देश को आगे बढ़ाना है मतलब हमारे सारे लोगों को विकसित करना है, सक्षम बनाना है। आपका जो सवाल है कि इसमें युवा का ज्यादा योगदान हो सकता है या बुजुर्गों का, इसमें आपका काफी डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने। दोनों का योगदान जरूरी है। ओनली फॉर युवा युवा ही रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी और बुजुर्ग ही रहेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। मेरा जो मानना है कि 70-30 का रेशो होना चाहिए, 70% यूथ मतलब 40 से अंडर और 30% जो 40-50 से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि युवा जितना समय दे पाता है, युवा जितना फील्ड में काम कर सकता है, युवा जितना समय निकाल सकता है और अध्ययन करे या कार फील्ड में काम करे और हर चीज मेहनत कर सकता है, वो एक युवा एज में हो सकती है। 50 साल के बाद वो ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती।